शहर की रहवासी कॉलोनियों में इन दिनों व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ गई हैं, जिसके चलते रहवासी क्षेत्रों में दिन भर भारी वाहनों की आवाजाही दुर्घटनाओं का कारण बनती है। मंगलवार को वार्ड 3 आशुधाम के रहवासी क्षेत्र में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों की शिकायत लेकर जनसुनवाई पहुंचे। कलेक्टर को सौंपे शिकायती आवेदन में रहवासी गणेश कानून को, महेंद्र राठौर, नितेश मंडलोई आदि ने बताया कि उनकी आवाजाही के मुख्य मार्ग मांगरूल रोड पर एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, जिसके संचालक द्वारा मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे करीब 30 फीट चौड़ा रास्ता सकरा होकर गली के रूप में तब्दील हो गया है। शिकायत के बाद भी संचालक द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। रहवासियों ने शिकायत में बताया कि रहवासी इलाके में व्यवसायिक कार्यों की अनुमति देना ही गलत है, प्रशासन इस ओर गंभीरता से ध्यान दे, अन्यथा बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। उल्लेखनीय है कि हरदा की पटाखा फैक्ट्री भी रहवासी क्षेत्र में ही संचालित हो रही थी, जिसमें हादसे से पूरा देश दहल उठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। आशाधाम कॉलोनी में रोड का निर्माण हो रहा है, जो हमारी आशाधाम की कॉलोनी में कॉलोनी मैनेजर द्वारा 30 फीट की रोड छोड़ी गई है। हम चाहते हैं शासन से कि 20 फीट की रोड का निर्माण न कर 30 फीट की रोड का पूरा निर्माण किया जाए, ताकि भविष्य में जो 5 फीट दो साइड छोड़ रहे हैं उस पर अतिक्रमण हो जाएगा। और वर्तमान में इस घोषणा के होते से ही लोगों ने अपनी बाउंड्री वाल बाहर निकालना चालू कर दिए, और भविष्य में फिर कोई अतिक्रमण हटता नहीं है और रोड भी छोटा हो जाता है। आज ही उसका निराकरण हो जाए और 30 फीट पूरा रोड का निर्माण किया जाए। कॉम्प्लेक्स के लिए इसलिए कि कॉम्प्लेक्स वाले ने 5 फीट इधर रोड पे आ गया है और वो मेन फ्रंट पे वहाँ पे 20 फीट ही रोड बच रही है। अब भविष्य में स्कूल है, आवागमन का साधन है, मंडी की पूरी गाड़ियाँ गोगावा साइड की, बीड साइड की, बस मांगरूल बसनेर तरफ की, ये सब उसी रास्ते का इस्तेमाल करती है। और हमने कहा है कि हमारी 30 फीट पूरी रोड का सीसीसी निर्माण किया जाए और जो अतिक्रमण जो करके कॉम्प्लेक्स ने जो बाहर आया है रोड पे उसका अतिक्रमण हटाया जाए। क्या अभी आप साहब से मिलेंगे, आश्वासन दिया? साहब ने आश्वासन दिया है कि सीएमओ महोदय से अपडेट मांगी है और अगर अतिक्रमण है तो उसको हटाने का निर्देश दिया है। क्या नाम लिखते हैं? दीपक सोनी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।